नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुट गियर। दोस्तों, हम बात करते हैं कल की। व्यापार मंडल के चुनाव कल संपन्न हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन माहौल वहां पर ऐसा लगा जैसे विधायकी के इलेक्शन हो रहे हों। मतलब माहौल गर्मा गर्म रहा राणा जी, पहली बार शायद ऐसा हुआ है इस इलेक्शन में। यशपाल राणा वर्सेज प्रदीप बत्रा इलेक्शन हो गया था, आप क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, ये व्यापारियों का इलेक्शन था और व्यापारियों के इलेक्शन में अगर बत्रा दूसरी तरफ जाएगा तो विपक्षी खेमा भी कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन तलाश करने के लिए अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। विधायक अगर ना खुल के सामने आता तो ये चुनाव व्यापारियों का रह जाता, परंतु जब विधायक आया तो विधायक के दूसरे खेमे को भी ये लगा भाई अब हमें भी आगे चलना चाहिए। जो हमारी टीम थी उसने तन मन धन से हमारा साथ दिया। हमने ये व्यापारियों का चुनाव है, इसमें राजनीति के लोग वैसे तो कायदे में नहीं आने चाहिए। ये विधायक ये समझता है कि रुड़की के अंदर हर चुनाव में मेरा वर्चस्व बना रहे, ऐसा नहीं। रुड़की की जनता समझदार है, किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना ये जनता तय करेगी, व्यापारी तय करेगा। कहीं ना कहीं राणा जी, आपको लग रहा था कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, आप अंदर गए, सौरभ भूषण जी को आपने समझाया कि गड़बड़ नहीं करनी, ये चुनाव बिल्कुल एकदम शांतिप्रिय और एकदम मतलब स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, चुनाव कोई सा भी हो, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और ये चुनाव व्यापारी के बीच का चुनाव था। जैसे माने व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हो गया और व्यापार मंडल की जो जिले की इकाई होगी या प्रदेश की इकाई होगी, आपने देखा वहाँ एक फर्जी बैलेट पेपर भी छपवा कर उन्हें डालने की कोशिश हुई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापारी सब भाई हैं, सन्नी भी हमारा भाई है, अरविंद भी है, हर्षित भी है और कमल चावला भी। जब चुनाव उनके बीच में तो धांधली क्यों? कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में तो थे, चाहे वो विधायक का दबाव था चाहे वो किसी का दबाव था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जिले की और प्रदेश की कहीं व्यापारी में फूट डालना चाहती है। विधायक जी के ऑडियो का भी मामला सामने आ रहा है, उसको लेकर वे विधायक जी रात में किसी से बात कर रहे थे कि सन्नी को सपोर्ट करना है, ऐसा भी होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए वो एक समुदाय के की बात कर रहे हैं, व्यापार हर समुदाय का है, शहर हर समुदाय का है, शहर बनिए का भी है, पंजाबी का भी, ब्राह्मण का, यहाँ 36 बिरादरी का शहर, इसमें हर बिरादरी रहती है। तो आप अगर एक, आपको एक विशेष बिरादरी ने वोट नहीं दिया, आप पूरे शहर के नगर के विधायक, जिसने वोट दिया उसके भी और जिसने वोट नहीं दिया उसके भी, तो विधायक भी ऐसी ओछी बातें करना शोभा नहीं देता। 2022 के लिए कितना तैयार मानते हैं अपने आप को? नहीं देखिए, 2022 है उसके लिए जिसे कांग्रेस पार्टी सिंबल देगी हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे, हमें देंगे हम लड़ेंगे, और किसी को मिलेगा हम उसे देंगे। हमको शहर में तो यशपाल राणा का नाम, देखिए नाम किसी का भी हो पर जो संगठन जिसको चाहेगा चुनाव वही लड़ेगा। देखिए, यशपाल राणा जी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जिसे पार्टी चाहेगी उसे चुनाव लड़ाएगी, हमारी तैयारी पूरी है। और ये जो बाजार है और ये 36 बिरादियों का जो रुड़की है ये सबका है, किसी एक का नहीं है, ये कहा है उन्होंने नितिन कुमार रुड़की। अब से